गंगो ब्लॉक प्रमुख के लिए समाजवादी पार्टी के टिकट पर नामांकन करने वाली बबली चौधरी का त्रुटि बताकर नामांकन रद्द कर दिया गया है। आज समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में इकट्ठा हुए हैं। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन जी हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कल मामला क्या हुआ था। चौधरी साहब, जो कल नामांकन रद्द हुआ है उसमें क्या किसी प्रकार की कोई त्रुटि है थी? बस त्रुटि अगर थी तो केवल एक थी कि अगर उस कार्यालय पर, गंगो ब्लॉक प्रमुख का जो कार्यालय है उस पर भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक कार्यालय लिख दिया जाता तो ठीक था। क्यों अपना परेशान कराया इन्होंने? कोई त्रुटि नहीं थी किसी प्रकार की भी। हमने सबूत दिखाया अभी आपके सामने भी, इनके वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 20 और पहले जो जिला पंचायत अध्यक्ष रही उनके जो नामांकन पत्र थे फोटो के ऊपर किसी प्रकार का कोई साइन नहीं था। जूम कर दो, ये तो फोटो है। वार्ड नंबर 1 से भाजपा के जिला पंचायत सदस्य हैं, देख लीजिए कहाँ साइन है, कहाँ फोटो सेल्फ अटेस्ट, कहाँ। और ये देख लीजिए, ये भी भाजपा के हैं, वार्ड 20 से हैं, इनके उस पर कहीं साइन नहीं है। मौजूदा जिला पंचायत सदस्य हैं। ये देख लीजिए, इनसे पहले, बहुत पहले है जो ये योजना गई, इससे पहली योजना में भी जिला पंचायत अध्यक्ष के उसमें कोई साइन नहीं है। और दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से गुंडई के बल पर लोकतंत्र, प्रजातंत्र की हत्या की गई, जनप्रतिनिधियों का अपमान किया गया, आज तक हमने नहीं देखा कि पुलिस प्रशासन इनका पार्टी बनकर काम कर रहा है। हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय के पास, माननीय चौधरी रुद्रसेन जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में सभी लोग आए और ये मांग करने के लिए आए कि अपना जो हमारा नामांकन पत्र निरस्त किया गया उसको बहाल किया जाए और मौका दिया जाए फील्ड में लड़ें। अगर इनको ऐसा ही करना था तो पहले ही प्रमाण पत्र दे देते, क्यों अपना इस तरीके से परेशान किया लोगों को। इन्होंने पुलिस की 3-3 गाड़ियां भेजकर बीडीसी को डराने धमकाने का काम किया, लेकिन वो अड़िग रहे। उन्होंने समाजवादी विचारधारा में अपना विश्वास व्यक्त किया, भारी मतों से ही हारने जा रहे थे और पहले से ही आशंका थी कि ये ऐसा करेंगे। गंगो ब्लॉक को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि जिला अध्यक्ष माननीय चौधरी रुद्र सेन जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जिले के अंदर मजबूती से अपना जनाधार बढ़ाती जा रही थी कि सीधा अपना हमला वहीं बोल दिया जाए। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि ऐसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2022 में जनता शिकस्त देने का काम करेंगी। इनका जो नंगा नाच है जिले, उसके जिले के अंदर, प्रदेश के अंदर सब हैं, साक्षी हैं और मीडिया तो स्वयं अपने आप में साक्षी है, देख रही है। माता प्रसाद पांडे जी जो विधानसभा अध्यक्ष रहे और कई कैबिनेट मंत्री रहे, कितनी बार एमएलए रहे, उनके साथ मारपीट की गई, वो अपने परिवार के सदस्य का नामांकन भरने के लिए जा रहे थे, उनका नामांकन पत्र तक छीन लिया गया और पुलिस के द्वारा उनको संरक्षण मिला। इससे बत्ती और गुंडागर्दी क्या हो सकती है कि ये जो संत का जो चोला पहन रखा है ये ढोंग करने की क्या जरूरत है? खुलम खुल्ला कहो कि हम तो गुंडागर्दी के बल पर काम करेंगे, जनता इनको जवाब देने के लिए तैयार है।
आप पिछले कुछ वर्षों से लगातार लोकतंत्र की हत्या होने की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है, अपनी आवाज़ को मजबूती से नहीं उठा पा रहा है? ऐसी बात नहीं है, कमजोर नहीं है, आवाज़ को दबाने की चेष्टा की जा रही है। आप देख लीजिए इतिहास के अंदर, पूरे जिले के अंदर धारा 144 मेरे ख्याल से इतिहास में जिस जो इस शासन में लगी है पहले कभी नहीं लगी। कल भी आप धरने पर थे, आज कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं अपने समर्थकों के साथ में, तो क्या किसी प्रकार का परिणाम निकलने की संभावना है? हमने माननीय जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन जी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। हमने कल जो राज्य निर्वाचन आयोग उनके अधिकारी उनसे भी बात करी और उन्होंने ये कहा कि डीएम हमारा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा साहब इससे बत्ती गुंडागर्दी और क्या हो सकती है कि आपका फ़ोन तक नहीं उठाया जा रहा, आप ही देख लीजिए। डीएम साहब एक घंटा गंगो ब्लॉक में अंदर बैठकर, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, मीडिया के लोग का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी, प्रिंट मीडिया के भी, वहाँ देखा डीएम साहब खुद ही कर रहे। तो हम तो ये कह रहे कि अगर ऐसा ही करना है, क्योंकि जिलाधिकारी और एसएसपी ये पूरे ज़िले के हों, ये संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर ये पार्टी बनेंगे तो यहाँ हम आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि भाजपा डीएम कार्यालय लिख दीजिए, एसएसपी के यहाँ से एसएसपी वो भाजपा एसएसपी कार्यालय लिख दीजिए, तो कम से कम यहाँ फिर कोई आने का तो नहीं, हम परेशान तो नहीं होंगे ना इनको परेशान करने के। तो ये जनता तराही तराही कर रही है, इन्हें सोचना चाहिए, शर्म आनी चाहिए। अगर इनमें हिम्मत है तो मैदान में लड़े, वह मतदान हो, हम ये कह रहे हैं कि हमारा पर्चा बहाल किया जाए और देख लीजिए कि इनको किस तरीके से शिकस्त मिलेगी।